एक सेकंड का होता है। तो जो बीआई में देखते हैं आपने झंडा लहरा रहा है या फूल खिल के बंद, फूल खिल के बंद, फूल खिल के बंद, तो 3 सेकंड है। तो 1 सेकंड में कितने स्नैप चाहिए, मान लीजिए 50, तो 3 सेकंड में कितने चाहिए, 150। तो 150 लगातार खींचे गए स्नैप को रील में प्ले कर देना इज वीडियो। एनी डाउट? वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता है, लगातार आपका कैमरा सीरियल वाइज स्नैप खींच रहा है और बाद में प्लेयर उन स्नैप को प्ले करता है। तो अगर देखा जाए तो इसकी भी हार्ड कॉपी निकलेगी। इज इट ओके? इज इट ओके? लेकिन अब मूवी डिजिटली प्ले होती है मल्टीप्लेक्सेस में, इंटरनेट से भी प्ले की जाती है, एम राइट? तो उनकी कॉपी क्या है, डेटा सॉफ्ट कॉपी, ठीक है? क्योंकि अब हार्ड कॉपी का जमाना ही चला गया है। अब समझ में आ रही है बात? सो दैट डाटा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? रिसोर्स याद होगा नेटवर्किंग में पढ़ाए थे कि अगर 4 कंप्यूटर किसी ऑफिस में है तो 4 प्रिंटर देने की जरूरत है? 1 प्रिंटर देने से मेरा काम चल जाएगा? एम राइट? हमारे पास 16 स्मार्ट क्लास है तो क्या 16 प्रिंटर दे दूं? 1 प्रिंटर से काम चल जाएगा? वह इसका मतलब है कि दैट इज रिसोर्स, द साउंड बॉक्स, द माइक, द प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, दिस टाइप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड रिसोर्स। और जब हम इस रिसोर्स को अपने काम के लिए दूसरे मशीन के लिए यूज करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड रिसोर्स शेयरिंग। मॉडम इस पूरे स्कूल में एक ही लगा है जहां से नेट सप्लाई हो रहा है। कोई आदमी मोबाइल से यूज कर रहा है, कोई आदमी अपने लैपटॉप से यूज कर रहा है, तो रिसोर्स कितना हुआ? रिसोर्स एक है और मल्टीपल यूजर्स हैं, सो दैट इज कॉल्ड डेटा एंड रिसोर्स शेयरिंग। इज इट ओके? नाउ वेरी यूनिक, अब ये यूनिक नहीं रह गया, लेकिन फिर भी व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड? एक सिचुएशन दे रहा हूं, अभी मेरे मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जानबूझ के बोल रहा हूं। अब मान लीजिए इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद ऐसी कोई स्थिति आई कि इसकी बैटरी खत्म हो गई, ठीक, और इसी समय किसी खास वजह से इस क्लास में कुछ ऐसा हुआ था कि प्रिंसिपल सर ने कहा आप वीडियो शूट कर रहे थे ना उस समय, आप मुझे वो वीडियो दिखाइए, और मेरी बैटरी लो हो गई। तो क्या बैटरी, जब तक मैं मोबाइल रिचार्ज ना करूँ मेरा वीडियो निकलेगा? नहीं निकलेगा। और जो सिचुएशन है उस समय, उसी समय वो चाहिए, तो क्या मिल पाएगा? हम सर भी फोड़ रहे तो मोबाइल तो कम से कम 10 मिनट चार्ज होगा उसी के बाद में होगा जी। और इन केस मैं अगर हॉस्टल टीचर ना होते कहीं आउटडोर का टीचर हूँ तो मेरे चार्जर कैरी नहीं करता, और मेरा एप्पल का फोन है, किसी नॉर्मल चार्जर से चार्ज भी नहीं होगा। मैंने ये सारा